पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सम्राट चौधरी जी जो हमारे उपमुख्यमंत्री है, वो मीडिया से बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे समय दिया कि हाँ मैं मिलता हूँ, तो वो आगे बढ़ते गए, मैंने अपनी बात रखी और गाड़ी में बैठते बैठते मैंने उनको ज्ञापन दे दिया और सारा मुद्दा बता दिया कि हमें क्या चाहिए, अपूर्व में क्या हो चुका है। तो उन्होंने बोला हाँ कि हाँ ये देख लेंगे, करवा लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा। उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बहुत अभी कंफ्यूज हूँ। मोनिका से तो संतुष्ट मिलनी चाहिए, मगर देश के तमाम जो बाकी राज्य हैं वहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 40-42 साल के आसपास है, बट बिहार में जो महज 37 साल है। और हमारा जो ये मांग जो है सो काफ़ी वर्षों से चला रहा है कि इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 40 वर्ष तो ज़रूर किया जाए। तो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि दावा करते हैं कि जो बिहार के विकास, यहाँ के छात्रों की बात करते हैं, वो जो है सो हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीच सड़क पर घेरने का प्रयास किए, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अंतोगतवास सम्राट चौधरी को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ वो अभ्यर्थी मौजूद हैं जो सम्राट चौधरी को ज्ञापन दिए हैं। सम्राट चौधरी से आप मुलाकात किए हैं, सम्राट चौधरी से क्या आश्वासन मिला? सबसे पहले तो मैंने मुख्यमंत्री जी को रोकने का प्रयास किया, परंतु वो आगे बढ़ चुके थे। तब सम्राट चौधरी जी जो हमारे उपमुख्यमंत्री है, वो मीडिया से बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे समय दिया कि हाँ मैं मिलता हूँ, तो वो आगे बढ़ते गए, मैंने अपनी बात रखी और गाड़ी में बैठते बैठते मैंने उनको ज्ञापन दे दिया और सारा मुद्दा बता दिया कि हमें क्या चाहिए, अपूर्व में क्या हो चुका है। तो उन्होंने बोला हाँ कि हाँ ये देख लेंगे, करवा लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा। उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बहुत अभी कंफ्यूज हूँ। मोनिका से तो संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट असंतुष्ट नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं क्या, क्योंकि उन्होंने चलते चलते कहा क्या देख लेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं हमारी बात, तब कहा जाएगा, ऐसे तो कुछ पता नहीं है क्या होगा। आप लोग का आखिर मांग क्या है? मांग सर तो सिंपल है, हम लोग को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अस्थायी उम्र सीमा है, जो न्यूनतम है पूरे 28 स्टेट में बिहार का जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम है, उस उम्र को अस्थायी तौर पर 37 से 40 करने का ये हम लोगों का मुख्य मांग है। अगर ये सरकार अगर नहीं पूरा कर पा रही है तो कम से कम हम लोगों को 70 में भी एक मौका दे दे, क्योंकि 70 का जो बहाली है, 1957 जो मतलब बहाली रिक्रूटमेंट आया है, ये पिछले हमारे ख्याल से 10 सालों में 6-7 रिक्रूटमेंट तो मैं खुद देखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे 5-6 रिक्रूटमेंट में इतना रिक्रूटमेंट नहीं आने वाला है। 64 का जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट था 64th बीपीएससी में, वो भी हमारे ख्याल से 1400 के आसपास था, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब रिक्रूटमेंट है पिछला 20 साल में। उतना वैकेंसी हमारे याददाश्त में तो नहीं है जब से हम एग्जाम दे रहे हैं, या आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो बीपीएससी के बारे में जान सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो कम से कम सरकार कम से कम हम लोगों को एक मौका केवल बीपीएससी इस बार 70वीं में दे दे। लगातार आप लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब सीएम तक आप लोग की बात पहुँच गई है, क्या लगता है आपको, अब आप लोग को न्याय मिल पाएगा? हम लोग तो 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, मौका इस बार 70वीं में मिलना चाहिए, सबसे बड़ा वैकेंसी है, हम लोग बस एक मौका का डिमांड कर रहे हैं, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, मौका मिलना चाहिए, मौका दे। अगर सरकार बात नहीं मानी अभी भी तो आप आगे क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो जो जितने जो बिहार के मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बिहार के विकास का दावा करते हैं, उन सभी से एक ही सवाल है कि आप एक तरफ मानते हैं कि बिहार जो है देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और देश के सबसे पिछड़े राज्य में यहाँ के स्टूडेंट्स को बाकी राज्यों के मुकाबले जो है बेहतर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर देश के तमाम जो बाकी राज्य हैं वहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 40-42 साल के आसपास है, बट बिहार में जो महज 37 साल है। और हमारा जो ये मांग जो है काफ़ी वर्षों से चला रहा है कि इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 40 वर्ष तो ज़रूर किया जाए। तो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि दावा करते हैं कि जो बिहार के विकास, यहाँ के छात्रों की बात करते हैं, वो जो है सो हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करें और साथ में जो है सो ये जो 27वीं जो बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है उसमें पहले बैठने के हमें भी अब मौका दिया जाए, क्योंकि ये जो है सो अभी बीपीएससी के इतिहास में ये इससे बड़ी बहाली कभी नहीं आई है। तो चलिए, वो भी अभ्यर्थी हमारे साथ खुद मौजूद थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रोकने का प्रयास किया, उनसे मिलने का ये लोग चाहत रखते थे, लेकिन नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपनी बात को रखे हैं, सम्राट चौधरी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन सम्राट चौधरी के जो आश्वासन मिला उसे लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे निष्पक्ष।